पात्रा गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी है और वो टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन पात्रा बनाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी हार्ड है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ पात्रा की बहुत ही इजी रेसिपी, जिससे पात्रा बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पात्रा बनाने के लिए हमें जो पत्ते चाहिए उसको गुजरात में पत्तरविला के पान बोलते हैं, और जगहों पर उसको अरबी के पत्तों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे अरबी के पत्ते और उसको अच्छे से मैंने धो के क्लीन कर लिया है। उसको पोंछकर एकदम ड्राई कर देना है और अब उसकी नसें काटेंगे। अरबी के जो पत्ते होते हैं उसकी नसें बहुत ही मोटी होती हैं, तो उसको काटना भी बहुत ही हार्ड होता है। तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से उसकी नसें काटेंगे। अरबी का एक पत्ता ले लेंगे और उसकी नस के आजू बाजू में नाइफ से एक एक कट लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से उसकी जो बीच वाली नस है वो कट हो गई है। तो घंटों के काम को हमने मिनटों में कर लिया है और ये नस हमने इजीली काट ली है। और अब दूसरे वाले भी नस हम काट लेंगे, तो चाकू की हेल्प से इसको भी हम काट लेंगे। तो इस तरह से ये भी इजीली कट हो जाएगी। तो इस तरह सारे पत्तों की नसें हम काट लेंगे। नसें काटने से पत्तों को फोल्ड करना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर नसें नहीं काटेंगे तो जो नस वाला पार्ट है वो हार्ड रह जाता है, अच्छे से पकता नहीं है और पात्रा भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो नसें काटना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से सारे पत्तों की नसें हम काट लेंगे। और अब हम एक बैटर रेडी कर देंगे जिसको हम पत्तों के अंदर लगाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बोल और उसके अंदर डाला है 2.5 कप बेसन। और अब हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर लेंगे। बेसन के अंदर धनिया जीरा पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है। और अब 1 चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 और आधा चम्मच सूखा धनिया जिसको मैंने क्रश कर लिया था मोटा मोटा, 1 और आधा चम्मच लेंगे सौंफ, उसको भी मैंने मिक्सर में पीस लिया था। और अब 2 से 3 चम्मच लिए है मैंने तिल, 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे और उसको हाथों से मसल कर उसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे मैंने 4 चम्मच अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट लिया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अब 4 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और 4 चम्मच नींबू का रस, ताकि चीनी की जो मिठास है वो बैलेंस हो जाए। इस बैटर के अंदर जितने भी मसाले हमने लिए हैं वो थोड़े से ज़्यादा ऐड किए हैं, क्योंकि इस बैटर का टेस्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही टेस्टी लगेगा। अब लास्ट में ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यहाँ पे हमने चुटकी पर बेकिंग सोडा लिया है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें एक बैटर रेडी कर लेना है। एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे वरना लम्स रह जाएंगे, तो थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना रहे और हमारा बैटर एकदम स्मूथ बने। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हमारा बैटर रेडी कर देंगे। इस बैटर को ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, इसको मीडियम रखेंगे ताकि ये पत्तों पे अच्छे से स्प्रेड हो सके। तो ये देखिए इस तरह का बैटर हमें चाहिए। तो ये हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब एक अरबी का पत्ता ले लेंगे और उसके ऊपर ही बैटर स्प्रेड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह उंगलियों में थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसको इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। बैटर को हमें पत्तों के बीच में ही लगाना है, उसके बॉर्डर पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पे लगाएंगे तो सारा बैटर बाहर आ जाएगा। तो हमें बीच में ही लगाना है और इस तरह एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रख के बैटर को अच्छे से लगा लेना है। और बैटर हम थोड़ा सा ज़्यादा लेके लगाएंगे ताकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। बैटर बराबर से लग जाए फिर पत्तों को फोल्ड करना है। तो नीचे से पत्तों को इस तरह मोड़ के हम उसको फोल्ड कर लेंगे। पत्तों को इस तरह रोल करते हुए एकदम टाइटली हम उसको फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि कितना इजीली फोल्ड हो चुका है। तो नीचे बिल्कुल भी मैस नहीं फैला है और हमारा एक रोल एकदम रेडी हो चुका है। तो इस तरह सारे रोल्स हम रेडी कर लेंगे। और अब एक छलनी लेंगे, उसके अंदर ये रोल रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी इसको स्टीम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा बर्तन और उसके अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और उसके अंदर स्टैंड रख दिए हैं। और अब इसके अंदर मैंने डाले हैं थोड़े से नींबू के फूल, आप नींबू के छिलके भी डाल सकते हो। ये डालने से बर्तन हमारा काला नहीं पड़ेगा। और अब ये अरबी के पत्तों के जो रोल मैंने रेडी किए थे वो इसके अंदर रख दिए हैं। अब उसको ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें स्टीम करना है। ये ढक्कन के ऊपर मैंने एक कपड़ा बांध लिया है ताकि स्टीम का जो पानी है वो रोल पे ना गिरे। अब उसे 15 से 20 मिनट हम स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब गैस बंद कर लेंगे लेकिन ढक्कन अभी नहीं खोलेंगे। 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब उसको ओपन करेंगे और ये देखिए हमारे पात्र एकदम अच्छे से पक चुके हैं। और अब उसको निकाल लेना है एक प्लेट में। तो अब टोंग की हेल्प से आराम से एक एक करके उसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। अब ये रोल एकदम ठंडे हो चुके हैं तो उसको कट कर लेना है। बहुत मोटी स्लाइस भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, हम उसको मीडियम स्लाइस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए सारे रोल मैंने कट कर लिए हैं।
अब मैं आपको दिखाती हूँ एक रोल के अंदर से कैसे दिखता है। तो ये देखिए, अंदर जो बेसन का घोल हमने लगाया था वो एकदम अच्छे से पक चुका है। और अब इसको हम शैलो फ्राई कर देंगे। शैलो फ्राई करने से ये बीच में से एकदम सॉफ्ट रहेंगे और आजू बाजू में से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो शैलो फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन और उसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर उसके ऊपर डालेंगे थोड़े से तिल, और तिल जब थोड़े थोड़े फूटने लगे तब उसके ऊपर ये रोल रख देंगे। और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हमें इसको रख देना है और इसको इस तरह से हिलाते हुए उसको पका लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 2-3 मिनट इस तरह हम पकाएंगे तो नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए फिर उसको पलट लेना है और दूसरी तरफ भी हम उसको इस तरह ही पका लेंगे, तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने उसको पलट लिया है और अब थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे पैन के ऊपर। पहले जैसे हमने एक तरफ से क्रिस्पी किया था उसी तरह दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक उसको पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पात्र एकदम रेडी है, दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो अब उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारे पात्र मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। तो ये देखिए, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपको चटपटा पसंद है तो ऊपर से नींबू का रस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और उसको फ्राई की हुई मिर्ची के साथ सर्व किया है। आप अपनी फेवरेट चटनी या फिर कोई डिप के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हो। हमारे घर में इसको चाय के साथ भी खाते हैं, चाय के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की ये पात्रे की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।